नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गुंजन। कुटी जिले की बड़ी खबरों का शुरुआत करते हुए बता दें कि मुरु थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला तेजी से प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि आरोपी आनंद मसीह मुंडू के द्वारा एक 45 वर्षीय महिला को बहला फुसला कर अपने घर ले जाया गया, जहाँ उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पीड़ित के द्वारा मुरु थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी आनंद मसीह मुंडू को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। खबरों में आगे बता दें कि खूंटी जिले अंतर्गत अक्सर सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी मामला सामने आ रही है। इसी क्रम में बता दें कि मंगलवार को खूंटी तोरपा मुख्य पथ पर एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कि एक 7 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उस ऑटो में बैठे लगभग 3 से 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हालांकि उनका प्राथमिक उपचार कराकर उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि रांची जिले के पिठौरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सतरियागढ़ निवासी मंगा मुंडा अपने परिवार के साथ खूंटी होकर गुजर रहे थे, तभी अचानक खूंटी तोरपा मुख्य पथ पर यह हादसा हो गया, जिसमें कि उनके एक 7 वर्षीय बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। अगली खबरों में बता दें कि झारखंड सरकार की योजना अंतर्गत लंदन के विश्वविद्यालय में पढ़ाई हेतु खूंटी जिले के हरक्यूलस सिंह मुंडा का चयन किया गया है। हरक्यूलस सिंह मुंडा के चयन होने पर खूंटी जिले के तमाम राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य लोगों द्वारा उनके घर पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी जा रही है। खबरों में आगे बता दें कि खूंटी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से डायन बिसाई जैसे कुप्रथा के शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए लगातार जिला प्रशासन के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। जल्द ही ऐसे कुप्रथा को समाप्त करने की पूरी प्रयास जारी है। अगली खबरों में बता दें कि खूंटी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रवि प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यों में जो भी कमियां हैं उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, ताकि किसी भी कार्यों में कोई भी शिकायत नहीं हो। खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज गुंजन।